के साथ संजय यादव। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है श्रीगंगानगर से। आपको बता दें कि पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारने की सूचना, भारत पाकिस्तान सीमा पर हुई घटना और अनूपगढ़ की एक पोस्ट का है मामला। अभी तक बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, पाकिस्तानी घुसपैठिए को मारने की सूचना इस वक्त आ रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर यह घटना हुई है, अनूपगढ़ की एक पोस्ट का मामला बताया जा रहा और अभी तक बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दीपक हमारे साथ योगी जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी अब तक है यहाँ? जी संजय, मैं आपको बता दूं, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनुपगढ़ जो पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, यहाँ पर एक घुसपैठिया भारत की ओर घुसने का प्रयास कर रहा था, जिसे सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने गोली मारकर वहीं ढेर कर दिया है। जी, लेकिन क्या कोई अभी तक जानकारी मिली इसके पास से, कुछ ऐसा मिला है जिससे वेरीफाई हो पाए कि ये संदिग्ध था? जी संजय, मैं आपको बता दूं कि अभी बीएसएफ के आला अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी अभी कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं और सभी वहां मौके पर कार्रवाई में जुटे हुए हैं। क्या उधर से भी गोली चलाई गई थी? नहीं, अभी तक इस तरह की कोई भी सूचना नहीं मिल पा रही है। और कोई जानकारी इस वक्त पूरे मामले पर? जी, आला अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही सारी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी तो ये मीडिया को बता दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दीपक इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर यह कि तमाम पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल की जा रही, बताया जा रहा है कि घुसपैठ करने की फिराक में था लेकिन उसी दौरान बीएसएफ के जवानों ने इसको देख लिया था, जिसके बाद फायरिंग में ये ढेर हो चुका है।